दवाओं से भी आपका आराम नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं, या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। हैदर से कहो कि शाहिद ने जो दवा चक्करों के लिए दी उससे कोई अफाका नहीं हो रहा। हैदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आप इनको दवाई दे दीजिए अब तक। अरे देखो जाके से, देखो तो सही। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे लगता है दवा सूट नहीं कर रही। दिलनशीन नहीं है? दिलनशीन वॉशरूम में है, उल्टियां हो रही हैं उसे। क्या हुआ, खैरियत है? बस वॉमिटिंग हो रही है। बैठ जाओ। You're not eating well. Babra, ORS वगैरह है तो ला दो। हैदर, बेटा ऐसा करो, जरा शाहिद को कॉल करो और उसे कहो क्लिनिक जाने से पहले यहाँ होता बजाए। जी अम्मी। ठीक हो जाए। हाँ शायद, कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी है आपने, शायद और ऐसे दे सकते हैं। हाँ दे सकते। मैं तुम्हें भी टेस्ट लिख के दूंगा, तुम भाभी को लेकर जाओ और करवा कर आ जाओ। शाहिद बेटा, अब तुम हमसे भी पैसे बनाओगे? अरे क्या हो गया आंटी, आप सुबह सुबह मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? भाई इसलिए कि ये तुम डॉक्टर्स जो इतने लंबे लंबे टेस्ट लिख के दे देते हो, अब चलो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी जवान जहान बहू को इतने टेस्ट लिख के देने के बजाय साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आंटी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी बहुत बहुत मुबारक, आप दादी बनने वाली, टेस्ट तो सिर्फ कंफर्म करवाने के लिए। यू श्योर? यस, फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा दो। अच्छा भाई, टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम वापसी में मिठाई जरूर लेकर आना, और हाँ सारा को भी बता दे। वहाँ रुक जाएं जरा। नहीं आंटी, अभी उन्हें रहने दें, टेस्ट मेरी लेबोरेटरी में होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। और हाँ याद रखिएगा, रिजल्ट वही आएगा जो मैंने अनाउंस किया। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ले जाओ, इसके टेस्ट और चेकअप वगैरह हो जाए तो अच्छा ही है। हिम्मत कर लो बेटा, जाओ हैदर के साथ। चले। और तुम वहां क्या खड़े हो, आके माँ को प्यार तो दो। चलो उठो दिलेशी। Be careful. Thank you.
कमाल करती हैं। आप इतनी बीमार थी, इतने टेस्ट हुए हैं आपके, कितने कमजोर हो गई हैं। मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अल्लाह ना करे जो मैं बीमार हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है, चक्कर आ जाते हैं। शाहिद ने कहा आराम करें। ताई अपनी हैदर और दिलनशी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो लोग? वो दोनों मेरी रिपोर्ट्स लेने गए। रिपोर्ट्स? माँ कैसी रिपोर्ट्स? अरे बेटा, दोनों मियाँ बीवी बाहर निकले हैं, किसी काम से गए होंगे, अब इतनी तफ्तीश क्या करनी। अरे देखना मेरा फोन बज रहा है, जल्दी से लाना। यार हेलो। हाँ शाहिद बेटा, हाँ हाँ बोलो। आंटी मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अर्जेंट बेसिस पे आपकी बहू का टेस्ट करवाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन खबर क्या है? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गुड न्यूज है। अरे सच? अरे बेटा ये तो बहुत खुशी की बात बताई तुमने, अल्लाह मुबारक करे। थैंक यू बेटा, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, खुश रहो, जीते रहो। ओके। अरे बेटा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने ये दिन दिखाया, तुम दोनों अम्मा अब्बा बनने वाले हो। या अल्लाह। माँ 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 प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज आप बैठिए। आप अच्छी तरह से जानती हैं एग्जर्शन आपके लिए अच्छी नहीं है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, उसको तो देखो। बेटा इधर आ जाओ, आराम करो। शाबाश। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अपने रूम में जाके आराम करूंगी। इनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। खबरदार जो मेरी बहू को किसी ने कुछ कहा। वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहुत खिदमत करती है। अल्लाह अल्लाह करके इस घर पे खुदा का करम हुआ है, हम खुश हैं, अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। तुम होके बस अपनी, अब ये अपनी अजारादारियां अपने घर में जाके पूरी करो। माँ आप सारा को क्यों डांट रही हैं? देखे ना भाई मैंने क्या कहा है। अरे बेटा डांटूं क्यों नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि शादीशुदा बेटियां हमारे घर में आके और उसमें इंटरफेयर करें। कहीं तय नहीं हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था। अंदाजा नहीं था? जब ये शादी ही नहीं रखनी तो ये बच्चा क्यों पैदा करूं मैं? ये भी अंदाजा नहीं था मुझे कि तुम्हें शादी ही नहीं रखनी है। जब ये हालात चलेंगे तो शादी खत्म होगी। आहिस्ता बोलोगी तुम? मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाजें कमरे से बाहर जाएं। क्यों? मैं क्यों दूं सारी कुर्बानी? फैसले बड़े हों तो कुर्बानी अभी भारी देनी पड़ती हैं। मैं कुछ नहीं चाहती। बस बस आप मुझे तलाक दें, मुझे छोड़ दें, मैं जाऊं यहां से। ये नई आजमाइश आ गई मेरी जिंदगी में। क्यों बोल रही हो तुम? हाँ? क्यों भूल रही हो तुम कि तुम्हारी इस ख्वाहिश के आगे बहुत आसानी से दस्तबरदार हुआ हूं मैं। दस्तबरदार? दस्तबरदार आप हुए? अपनी अयाशियों को मेरे सर पर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका अफेयर चल रहा है अपनी पुरानी महबूबा के साथ, इश्क माशूकियां चल रही हैं उसके साथ, और आप मुझे कह रहे हैं रास्ता आपको साफ चाहिए था। कौन सा इश्क, कौन सी अयाशी?
अफेयर तुम्हारा चल रहा है दिलनशीन, मेरा नहीं। तुम अपने साबका महबूब से शादी करना चाहती हो, मैं नहीं। जैसे आप तो नहीं करना चाहते। मैंने कहा कभी ऐसा? बहुत सारी बातें कहे बगैर भी समझी जाती है। मैसेजेस तुम्हारे आते हैं, मेरे नहीं। इस घर में फूल तुम्हारे लिए आए थे और उसके बाद तुम्हारा आशिक आया था इस बात की गवाही देने कि तुम सच्ची। झूठ बोलती रही तुम मेरे साथ कि मैं शॉपिंग पे जा रही हूं और जाके मुलाकातें करती रही और कहती हो कि अय्याशी मैं कर रहा हूं। हैरत की बात है, इतने गंदे किरदार वाली लड़की के बच्चे को आपने अपना बच्चा कैसे मान लिया। समझ नहीं आती कि तुम्हारी किस्मत क्या करती है और क्यों करती है। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। दिलनशीन रहने नहीं चाहती मेरे साथ। आपकी जिंदगी में मुख्तसर है और वो इतने खुश हैं कि हवाओं में उड़ रही हैं आजकल। यार कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करो। और क्या कर रहा हूं? तुमने मैमल को भी तो उसके सर पे लाके बिठा दिया। तो उसके अफेयर का क्या? यार वो तो बाद में आया है। हाँ लेकिन है तो सही ना। देखो तुम भाभी को मनाओ, उनसे बात करो, उनसे कहो कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा निकाह हुआ है उनके साथ, और फिर बच्चा आंटी को भी बता दिया तो बच्चा खत्म। डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो। बच्चा है मेरा वो। मुझे डर है अगर वो ना मानी तो तुम देखना यही शर्त रखेगी। कैसे कर सकती है वो ये सब? उसकी भी तो औलाद है। देखो यार उससे बात करो, उसे समझाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं क्या कहती है। क्या हैसियत है मेरी यहाँ, जिस मोहब्बत की तलाश में भागी हुई यहाँ आई थी वो तो कहीं भी नहीं। मैं तो बस एक खामखा बन के रह गई। इसे अच्छी तो मैं अनसब के घर पे थी।
यहां भी पड़ी हूं खामोश, वहां भी पड़ी रहती खामोश। कम से कम वो घर मेरा और मेरी बच्ची का तो था। दिलनशीन के कदम यहां पे दिन ब दिन जमते जा रहे हैं। आंटी के साथ बिजी हूं, मैं बाद में बात करती हूं तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। दिलनशी, तुम रो क्यों रही हो? बस ऐसे ही। घर में खुशी की खबर है और तुम्हारी आंखों में आंसू। खैर तुम बताना ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, तो बस ये बताने आई थी कि तुम नीचे नहीं आई तो माँ बहुत परेशान हो रही थी, बल्कि वो तो जिद कर रही थी कि मुझे ऊपर ले चलो। इसकी क्या जरूरत है, मैं खुद ही नीचे चलती हूँ। वही ना, मैंने भी उन्हें यही कहा, तो वो तो तुमसे बहुत डरती है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। आशा रोग है तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं है सारा भाभी। सारा तुम जाओ नीचे, दिलनशीन आ रही है। वैसे हैदर भाई साय की तरह साथ होते हैं तुम्हारे। क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह करे आप इसे जितना चाहते हैं, ये भी आपको इतना ही चाहे। तुम जाओ नीचे, माँ पूछ रही है तुम्हारा। जा रही हूं, लेकिन एक बात बताती चलो, मुझे अपनी माँ की मोहब्बत और इज्जत हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। जितनी इज्जत और मोहब्बत आपको अजीज है, उससे कहीं ज्यादा हैदर अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत करते हैं। जाहिर, तुम्हें इस मोहब्बत का ज्यादा अंदाजा होगा। क्या हो गया सारा, ये अचानक से टिपिकल नन बनने का शौक क्यों पैदा हो गया तुम्हें? हाँ भाई, आपको तो मेरी हर बात ही बुरी लगी, एक बात याद रखिएगा भाई, जितना प्यार मैं और माँ आपसे करते हैं ना, उतना ये कर नहीं सकती। दिलनशीन, सारा के इस बिहेवियर पे मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें इन तमाम उलझनों से दूर रखूं। मैंने बहुत कोशिश भी की है कि ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवा दूं, पर मैं खुद बहुत मजबूर हो गया हूं। जानती हो, अभी ऊपर आ रहा था तो वहां लड़के और लड़कियों के नाम गिनवा रही थी। मुझे बताओ प्लीज, मैं जानना चाहता हूं, मैं क्यों इतना बुरा लगता हूं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, बस मैंने हमजा को नहीं बताया अभी, और आपने खुद मुझसे एक दो महीने मांगे थे अम्मी के लिए, वो मैंने आपको दे दिए। अब अगर हमजा को पता चलेगा वो कह रहा कौन है ये हमजा? कौन है वो? कौन होता है मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को एनओसी देने वाला? कौन है ये हमजा? मुझे लगता है कि हम ये सब कुछ तय कर चुके हैं।
नशीन, ये मैंने तय नहीं किया, ये तुमने है और उस हमजा ने तय किया है। भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई जो मैंने आपको बता दिया, पर ना आपने और मेहमान ने तो पता नहीं क्या कुछ तय कर लिया। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, कैसे दिलाऊं कि मैंने और मेहमान ने कुछ कभी भी तय नहीं किया। जो भी है बस जान छोड़ा दे, मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा हीशल की तरह इधर उधर भटकता फिरे, इधर उधर रुलता फिरे। अंदाजा है तुम्हें तुम क्या बातें कर रही हो? एक बार सोचा तुमने कि ये जो कुछ तुम कहती हो अगर माँ को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? वो क्या दुनिया की कोई भी औरत जब ये जानेगी? आप लाए हैं मुझे इस मकाम पर, ना आप मुझे जलील करते ना मुझे उकसाते। आपकी बेअदबी ने मुझे बांट के रख दिया है, मुझे टुकड़ों में। बहुत होशियार हैं आप, बहुत होशियार हैं आप हैदर। सब कुछ करने के बाद किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल किया, बहुत होशियार है आप। सुनो, तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे? मैं मानता हूं महमल थी मेरी मोहब्बत, है नहीं मेरा प्यार, ये घर है, मेरी माँ है, बीवी है, बहन, ये बच्चा। बहुत मैं सब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं पर इन बातों की वजह से रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथों से निकल। तुम यकीन करो मेरी बात का, मैं ने मुझे कहा है आई लव यू, क्योंकि आई लव यू इसमें ऐसी कौन सी बात है? थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि आज ऑफिस क्यों नहीं आए थे? एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज। मेरे फोन में क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि आपको चेंज कर लेना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा सुनो, अफजिया को सैर तो करा के लाओ। कौन सा पहली बार पाकिस्तान आई है और यहाँ पे ऐसा क्या है जो दिखाऊं? तो कोई नहीं, डिनर पे ही ले जाओ। हाँ नहीं अभी नहीं, ले जाऊंगा बाद में। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। अच्छा फोन तो दे दो मेरा। दे दूंगा। हमजा ये लड़का बिना जीव है बिल्कुल। Nilushin, I'm waiting. Call mom. Hamza, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ।
अरे बेटा मुझे नहीं भाई को दो, वो दिल नशीन का मुंह मीठा करे। ये ले भाई। नहीं ये क्या बचपना है माँ। मेरी बहू का मुंह मीठा कराओ, वो हमारे खानदान की नस्ल बढ़ाने जा रही है। दिलनशीन भाई अब तुम होने वाले अब्बा का मुंह मीठा करो। अच्छा ये बताओ दिलनशीन, तुम्हें बेटा चाहिए या बेटी? माँ भाई से भी पूछ रहे हैं। भाई ये हक तो मैंने अपनी बहू को दिया है, अब पता नहीं हैदर क्या कह दे और मेरी बेटी टेंशन में पड़ जाए। ये उसका हक है कि उससे बेटा चाहिए या बेटी। बोलो। जो भी हो जाए। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की, अल्लाह की देन है, बस सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वो जो भी दे दे। बेटी भी रहमत है, बेटा भी बहुत अच्छा है। मामा डैडी का फोन आया है। मुझे दिखाओ। ईशा क्या कुदरत है खुदा की, शोहर का साथ उसका साया भी क्या चीज है। बीवी के काम ना भी आए लेकिन औलाद के लिए क्या माने रखता है। अल्लाह इन दोनों को हिदायत दे, खुश रखे। पापा आप हमें लेने कब आ रहे हैं? ईशल ईशल किससे बात कर रही हो? मुझे तो फोन मामा का दो। कैसी हो महमिल? मैं तुम्हें और ईशल को लेने आया हूं। डू यू रिमेंबर मी बेटा? मैंने आपको देखा है। मैंने भी आपको देखा है। मैं जानता हूं मेरा तरीका बहुत ऑकवर्ड लगा होगा तुम्हें, लेकिन अगर तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कुछ अरसा पहले अमेरिका में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। कई दिन मैं बिस्तर पर पड़ा रहा, कंप्लीटली बेड रिडन। उन दिनों में मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। शायद अल्लाह मुझे रियलाइज कराना चाहता था कि फैमिली बहुत कुछ होती है।
मेरे सारे फ्रेंड्स, सारी गर्लफ्रेंड्स, किसी ने भी मुझे वक्त नहीं दिया, थोड़ा सा भी नहीं। पहले मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल कर लेता हूं, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि अ कॉल जस्ट वुड नॉट बी इनफ, मुझे जाना होगा, तुम्हारे पास आके, तुम्हारे सामने आके अपोलोजाइज करना होगा। मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया और उन बातों की वजह से तुमने जितना सफर किया, उसके सामने सॉरी की कोई हैसियत नहीं है। बेमानी सा लफ्ज हो जाता है। मेरी बस तुमसे ये दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि मेरे घर वापस आ जाओ तुम दोनों, अपने घर। तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, मत करो। अगर मेरी सूरत नहीं देखना चाहती तो मैं उस घर में नहीं रहूंगा, कहीं और रह लूंगा जाके, लेकिन घर वापस आ जाओ। पहले की बात और थी महमल, मैं एक डिफरेंट इंसान था तब। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है कि मैं इशाला तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। सब मुझे लेने आए तो तुम क्या चाहती हो बेटा? मैं जाना चाहती हूं ताई अम्मा। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। बिल्कुल। सब को अंदर क्यों नहीं बुलाया तुमने? कोई चाय वगैरह? सारा जी, जी मैं बुला के लाता हूं उसे। तुम यहां बैठो मेरे पास, मैं चाय का इंतजाम करवाती हूं। देखो बेटा, मियां बीवी का रिश्ता मामूली रिश्ता नहीं होता। कहने को तो ये कागजी रिश्ता है, लेकिन ये अपने अंदर तमाम एहसासात, जज्बात और हुकूक रखता है। अंसब क्या कहता है? अंसब कह रहे हैं कि उनका अमेरिका में एक्सीडेंट हुआ था, बिल्कुल तन्हा रह गए थे। उनका कोई फ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड के लिए टाइम नहीं निकालते थे। उन्हें रिश्तों का और अपनी फैमिली का एहसास हो गया। देखा तुमने, जिस रिश्ते में कोई ताल्लुक नहीं था उसने कैसे कदर दिलाई अंसब, कैसे वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हुआ। ये मियां बीवी के रिश्ते की बड़ी करामात है, जहां बेनियाजियां, नफरतें, गलत फहमियां पैदा होती हैं ना, वहां उतनी ही तेजी से उनसियतें, मोहब्बतें, चाहतें पैदा होती हैं। अंसब इधर ही आ जा। आवा, I'm sorry, लेकिन माँ की चूंकि तबीयत ऐसी है कि मैं। आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हैं?
अल्लाह का शुक्र है। माफ कीजिएगा, मैंने आदतन आपको आंटी कह दिया। ताई अम्मी यही कहती है ना मैं मिला आपको? हाँ बेटा, इसकी ताई अम्मी हूँ तो तुम्हारी भी ताई अम्मी। बहुत खुशी हो रही है कि तुम आए। बैठो। सारा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आपको याद है मेरा नाम? जी, जब बीवी याद आ गई तो बीवी से जुड़ा हुआ हर रिश्ता भी याद आ गया मुझे। अंसब, तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, मेरी मिसेज हैं दिलनिशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चले मेहमान जी, मैं बस ईशल का बैग पैक कर लूँ।